देखो डिविजिबिलिटी ऑफ एट, एट के लिए क्या करेंगे कि मान लो तुमको कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो हम इसमें लास्ट के जो 3 डिजिट हैं जैसे 400, अगर ये डिविजिबल है 8 से तो हाँ ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। तो हम सिर्फ इस लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 8 से, तो 5 टाइम्स आता है 40, 0 बचा, ऊपर भी 0 लगाने तो 50 आ रहा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो हाँ ये है। हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो इसमें आ जाएगा कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये 8 वाला तब तुमको पूछेंगे जब बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ, जैसे तुमको 1 2 3 5 7 9 4 0 0 ऐसा सा कोई नंबर दिया है क्वेश्चन में, तो यार पूछ रहा है कि बताओ क्या ये डिविजिबल है 8 से, तो क्या तुम पूरा नंबर डिवाइड करने बैठोगी? नहीं, तुम बस लास्ट के 3 डिजिट लोगी, उसको डिवाइड करके देखोगी, अगर वो है तो हाँ है ये पूरा नंबर भी है, वरना नहीं।